उंगली कट जाती तो मंगल अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ जल्दी से पैसे ढूंढो। अब क्या कहे, इस उम्र में तुम इतनी लापरवाह हो गई हो, पता नहीं हमारी उम्र में आते आते क्या हाल होगा तुम। पैसे तो भूल जाओ, इसने मेरा बैग तक नहीं देखा। किसे बेवकूफ समझ रही हो तुम? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया लेटेस्ट ट्विस्ट, जहां आदित्य ने लगाया मंगल पर पैसे चोरी का इल्जाम। आदित्य, मंगल, इतना शोर क्यों मचाया तुम दोनों ने? अरे अम्मा, कल मैंने इसे ये क्या कह दिया कि लक्ष्मी की शादी के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। आपकी बहू ने तो मेरे 3 लाख रुपए ही गायब कर दिए, अब शादी के लिए चोरी कर रही क्या? ये सुनकर लक्ष्मी हुई शॉक। चोरी की? पैसे लिए? ऐसा क्यों किया तुमने? जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में आदित्य ने मंगल पर 3 लाख रुपए चुराने का लगाया आरोप। दरअसल आदित्य का मनाना है कि मैंने मंगल की बहन लक्ष्मी की शादी के लिए पैसे नहीं दिए, इसलिए मंगल ने पैसे चुराए। आदित्य, मंगल, इतना शोर क्यों मचाया तुम दोनों ने? अरे अम्मा, कल मैंने इसे ये क्या कह दिया कि लक्ष्मी की शादी के लिए मैं पैसे नहीं दूंगा। आपकी बहू ने तो मेरे 3 लाख रुपए ही गायब कर दिए, अब शादी के लिए चोरी कर रही है क्या ये? वही मंगल इस बात से साफ करती है इनकार और कहती है कि मैंने नहीं चुराए पैसे। अम्मा, आपको लगता है मैं पैसे चुराऊंगी? तभी वही कुसुम आती है और वो भी मंगल का साथ देती है, ये कहते हुए कि ये पैसे नहीं चुरा सकती, हो सकता है कि इसने कहीं पैसे रख दिए होंगे और भूल गई होगी। हमें मंगल पे इतना तो भरोसा है कि वो हमें बिना पूछे पैसे नहीं ले सकते। हाँ, लापरवाही में कहीं उठा के रख दियो। मंगल, जरा गौर से सोचो, तुम पैसे कहीं पे भी रख सकती हो। कहाँ रखे थे? तुम मेरे पैसे। जो भी हो, आदित्य लापरवाह नहीं हो सकता। वहीं आदित्य फिर भी नहीं मानता और वो अपनी भड़ास मंगल पर निकलता है, जिसके आदित्य मंगल से कहता है, जाओ पैसे ढूंढ कर लाओ। मैंने रखा है, बताओ बताओ कहाँ रखूंगा मैं? मंगल, मेरा दिमाग खराब मत करो। हाँ, अपने घर में चोरी करते हुए। वही इसी के साथ ही सीरियल की कहानी में आप आगे देखेंगे नया ट्विस्ट, जहां मंगल किचन में काम कर रही होती है, लेकिन वो कुछ सोच रही होती है, तभी अचानक से उसका हाथ कट जाता है। तभी वहां मंगल की सासू माँ आ जाती है और कहती है कि क्या होगा मंगल, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कितना चोट लग गया, क्या हुआ, और उसकी मरहम पट्टी करती है। क्या है, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ? उंगली कट जाती तो तुम्हारी प्यारी बहन लक्षु का रिश्ता इतने अच्छे घर में तय हो गया है। हम जानते हैं कि समय थोड़ा कम है, लेकिन हम सब है ना, हम सब मिलकर कर लेंगे। अभी मंगल पैसों को लेकर इतनी टेंशन में है कि सब्जी काटते काटते उसने अपनी उंगली काट दी है। बिकॉज उसको एक ऐसी बात पता चली है कि जो गहने, जिसका उसने कैलकुलेशन किया ही नहीं था कि उसमें इतने पैसे खर्च होंगे। मंगल ने सिर्फ कैलकुलेशन किया था कि खाना पीना, कपड़े लत्ते और बाकी मेहमानों का स्वागत के लिए जितने पैसे होंगे, उसने उतने पैसे जमा कर रखे थे, क्योंकि गहने तो लक्ष्मी की माँ, मतलब मंगल की ताई जी, उसके लिए छोड़ कर गई थी। तो अब वो इतनी टेंशन में है कि उसकी उंगली कट गई, बिकॉज उसे ये पता चला है कि वो पैसे, वो गहने गायब है। तो वो गहनों के लेकर अभी बहुत टेंशन में है, क्योंकि वो गहने पूरे गायब है। जिस पर मंगल अपनी सासू माँ को बताती है कि वो मेरी दादी के गहने आपके पास है, ये सुनकर मंगल की सासू माँ शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मैंने कब लिया? बोलो मंगल, बताओ हमें क्या हुआ? मतलब क्या है तुम्हारे? हमारे पास है, हमको कब दिया तुमने? ये सब क्या है मंगल? जिस पर मंगल अपनी सासू माँ को बताती है कि मेरी शादी में जो गहने दिए गए वो मेरी दादी के थे, वो मुझे भी नहीं पता था, फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। तुम्हारी स्वर्गवासी ताई जी के गहने हमारे पास कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मंगल? और वो गहने उसने ये बताया कि आपको दिए थे, मतलब लक्ष्मी की
ताई जी जो छोड़कर गई थी वो गहने मंगल की माँ ने शादी में उसको दे दिए, तो ये उसके लिए भी बहुत दुख की बात है और हमारे लिए बहुत नाराज़गी की बात है, क्योंकि हम किसी और के गहने क्यों रखें। वो गहनों पे कायदे से हक बनता है लक्ष्मी का, बिकॉज उसकी माँ छोड़ के गई थी, लेकिन ये चालाकी कर दी है समधन जी ने और मंगल को पकड़ा दिए और अब वो गहने हमारे पास है, जो हमारे स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुँची है और हमें बहुत बुरा लगा है। तो आगे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है इन गहनों को लेकर। वेल, यहाँ मंगल की सासू माँ ने अपनी नाराजगी दिखाई और मंगल की माँ पर उतरा अपना गुस्सा और ये कहा कि अच्छा हुआ हमें लक्ष्मी के शादी के पहले ही ये बात पता चल गया, अब आगे क्या होगा, लक्ष्मी की शादी होगी या नहीं पता नहीं। जो आपके पास है मेरी शादी में जो मैंने अच्छा हुआ लक्ष्मी की शादी से पहले पता चल गया। जो माँ अपनी सभी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, पता नहीं वो परायों के साथ क्या करती है। अब बस बहुत हो गया, अब नहीं रहा जा रहा है उसे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि कार्तिक का रिश्ता तुम्हारे परिवार के साथ करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। वही जब मंगल की सासू माँ चली जाती है तब खुद लक्ष्मी भी इसी ही चिंता में है कि आखिर अब लक्ष्मी की शादी का क्या होगा। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।